सब्सक्राइब करें वायरल वायरस चैनल को और दबाएं बेल आइकन के बटन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वायरल वायरस में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है राजेश वर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीमेल के सिक्योरिटी के बारे में। आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी अफवाहें आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो सच्ची हैं कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट को वहां पर हैक कर लिया गया है, जीमेल का जो अकाउंट है उसको। तो इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। तो कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो टिप्स के लिए होंगे, कुछ आपकी सिक्योरिटी के लिए होंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो इस सभी टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो टिप्स है वो है आपके पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सबसे ज़रूरी और सबसे खास चीज़ होती है आपके पासवर्ड। पासवर्ड को जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप किसी पासवर्ड को स्ट्रांग करते हैं मतलब वहाँ पर न्यूमेरिकल आपको डालना होगा, नंबर्स आपको कैपिटल लेटर वहां पर यूज करना हो सकता है, आपको वहां पर सिंबल यूज करने हो सकते हैं जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, _ है और काफी सारे ऐसे जो सिंबल्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहां पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सभी चीजें यूज कर सकते हैं। तो बेटर है आप अपने अगर पासवर्ड को जितना ज्यादा सेफ हो सके, जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बना सके उसको बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका पासवर्ड कोई और दूसरा सोचे भी तो उसको पता ना चले। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा थिंग है मतलब आपके सिक्योरिटी के लिए, तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने अकाउंट में कभी भी अगर आप किसी जगह पे या फिर आप कैफे में जाते हैं या फिर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहां पर अपना जीमेल का जो अकाउंट है या फिर आपका गूगल अकाउंट है वो एक्सेस ना करें। इससे आपको क्या होता है प्रॉब्लम कि आपकी अगर हिस्ट्री में वहां पर चली जाती है कोई से भी आपका जो लिंक है, जीमेल का लिंक है वो यहां पर चले जाता है। हो सकता है आप वहां पर उसको देख भी सकें कि आपका लिंक कौन सा है, आप सर्च कर सकते हैं वहां पर हिस्ट्री पे। और जो भी अगर दूसरा बंदा अगर कोई बैठता है वहां पर तो वहां पर उसके जो हिस्ट्री होता है उसको क्लिक करके आपके जीमेल अकाउंट पे जा सकता है। अगर आप उसको बंद करना नहीं भूलें या फिर आप अगर लॉग आउट करना भूल गए हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जीमेल अकाउंट को किसी भी पब्लिक प्लेस पे ओपन ना करें। अगर करते भी हैं तो ये तीसरा टिप रहेगा कि आप उसको हमेशा लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद आपको वहां पर हिस्ट्री जो है उसको क्लीन करनी होगी, तभी आपका जो जीमेल अकाउंट है वो सेफ रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जो टिप्स है वो यहाँ पर खत्म होता है। चौथा टिप हमारे पास यहाँ पर है किसी भी लिंक, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट के आपके पास लिंक आते हैं जिसको आपको सर्वे के लिए पूछता है या फिर आपको वहां पर बोलता है कि इसको क्लिक कीजिए, इसमें फिल कीजिए अपना इन्फॉर्मेशन। आप क्या करते हैं वहां पर आप जाके अपना इन्फॉर्मेशन, जितना भी आपके मोबाइल नंबर है, आपके पास यहाँ पर जीमेल का अकाउंट है, उसके बाद पासवर्ड है, आपका लोकेशन है, आपका एड्रेस है, तो ये सभी चीजें वहां पर फिल ना करें। ज्यादातर जरूरी होता है कि आप अगर किसी अच्छे वेबसाइट में जा रहे हैं जो सर्टिफाइड है, जो काम की चीजें हैं, वहां पर आप जाइए, वहां उसको आप यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी जो सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं वो अच्छी ही होती हैं, काफी सारे ऐसे फ्रॉड कंपनीज होती हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आपका जीमेल जो है वहां पर हैक हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसे नहीं होते हैं तो आप वहां पर अगर सेफ रहेंगे कि आप अगर सर्टिफाइड जो कंपनीज है उसमें अगर आपका जीमेल या फिर नंबर या फिर एड्रेस आप अगर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर पांचवा हमारे पास जो टिप्स है यहाँ पर है आपके पास सर्च, अगर आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो वहां पर आपके जो गूगल जीमेल है वहां पर गूगल पे वहां पर जो सर्च हिस्ट्री बनता है उसके बाद वहां पर कुकीज बनती हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने से रोकती हैं। अगर आप किसी जगह पर जाते हैं वहां पर अपना जीमेल अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट काफी सारी आती हैं जो आपको जनरली आपके घर पे अगर नहीं आती है ऐसे एडवर्टाइजमेंट, और आप किसी दूसरे अगर जगह पे जा रहे हैं वहां पर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आते हैं तो ये कुकीज का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके आईपी एड्रेस में आपके जीमेल पे अगर वो कुकीज यहाँ पर सेफ हो जाते हैं तो आपके जितने भी लैपटॉप या फिर जितने भी आपके मोबाइल फोन्स, आपके कंप्यूटर्स
इस सभी चीजों में आपके एडवर्टाइज आने लगते हैं। तो ये कुकीज आप सर्च हिस्ट्री में से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं अपना जितना भी पासवर्ड और आपके जीमेल अकाउंट का है उसको। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टिप है वो बेटर है आपके लिए, बोनस होगा ये। आपको करना ये होगा, अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन जो ऑप्शन होता है उसको आपको क्लिक करना होगा। अब इसमें फर्क क्या होगा, सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट का अपना आईडी डालना होता है। आईडी डालने के बाद आपको वहां पर पासवर्ड पूछा जाता है, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन जो स्टेप है वो होता है। सेकंड वेरिफिकेशन स्टेप में ये होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है अपने जीमेल अकाउंट पे, वहां पर आपको एक पर्सनल पासवर्ड आएगा जो ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड। उसे जैसे ही आप एंटर करते हैं तभी आप अपने जीमेल अकाउंट पे जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी और ने आपका अगर जीमेल अकाउंट खोला तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट जो है वो यहाँ पर खोला गया है, इस लोकेशन पे खोला गया है, और आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड भी आ जाएगा कि ये आपका पासवर्ड है, यहाँ पर से आप अपना जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा कई वेबसाइट ऐसे होते हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका जो आईडी है वो किस लोकेशन पे खुला है ये भी बता देगा, और अगर आपको किसी अन्य दूसरे डिवाइस पे अगर खुला है तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि अपना पासवर्ड जल्दी से जल्दी आप चेंज कर लीजिए ताकि आप अपने जो जीमेल अकाउंट है उसको सेव कर सकें। अगर आपने नहीं खोला है वो तो जाहिर सी बात है आपका किसी और ने आपका अकाउंट वहां पर ओपन किया है, तो ये आपके लिए रिस्क की बात हो सकती है। जो इससे बचने के लिए जितने भी मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताए हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने जीमेल अकाउंट को जो है बचा सकते हैं। तो ये सेफ रखने का, अपने जीमेल अकाउंट को और अपने कंप्यूटर को सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, आपको ऐसे ही काफी सारे जो टिप्स है वो मिलते जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे छोटा सा बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब करने का, वहां पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को लाते रहता हूँ ऐसे ही नई नई जानकारियां और नए नए वीडियोज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।